पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। गौतम गंभीर ने आरोप लगाया है कि आईएसआईएस कश्मीर से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी सांसद ने अब दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान का कहना है कि गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौतम गंभीर ने बीती रात ये शिकायत दर्ज कराई थी। गौतम गंभीर की ओर से आरोप लगाया गया है कि आईएसआईएस कश्मीर की ओर से फोन और ईमेल के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर राजधानी दिल्ली की पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं और पूर्व में वो भारत के लिए क्रिकेट भी खेल चुके हैं। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी और गौतम गंभीर 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे हैं। 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर बड़े सितारे थे और दोनों ही फाइनल में उन्होंने मैच जिताओ पारी खेली थी। तो ऐसे में गौतम गंभीर को अब जो है वो जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है।